आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार बाइकर जोन से। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आज। जैसे हमारे पास पल्सर है 220, तो दोस्तों इसकी एवरेज सेट करके दिखाने वाले हैं किस तरह इसकी एवरेज सेट होगी। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास कार्बेटर है पल्सर 220 का, जिसे गाड़ी में लगा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों एक काम करना है आपको, गाड़ी जो है 1-2 किलोमीटर चला लेनी है। 1-2 किलोमीटर चलाने के बाद दोस्तों आपको इंजन जो है हीट करना है। सबसे पहले से 1-2 किलोमीटर चला लेते हैं तो इंजन हीट हो जाएगा। तो हीट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक पेचकस की मदद चाहिएगी, एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर जैसे कि दोस्तों हमने ले लिया है। और मेन दिक्कत क्या है दोस्तों, इसे खूब कैसे पता पड़ेगी एवरेज की, तो आपको खुद पता पड़ जाएगी। बाकी जो है आपकी गाड़ी का मीटर जो है फ्लक्चुएट होगा, पल्स जो है ज़्यादा होगी। और बेसिकली मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, तो इसकी जो अंदर से जैसे आवाज़ है, जो पल्स है, जो बहुत ज़्यादा लगेगी आपको, खुद ही ज़्यादा लगेगी। जैसे कि मैं आपको ऊपर मीटर में भी दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि मैंने पल्स जो देख लिया, जिसमें से मैं दिखा देता हूँ। गाड़ी एक पे है लेकिन 1000 RPM पे, लेकिन ये आवाज़ अलग सी कर रही है। और ये देखिए मीटर जो है इसका, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं, जैसा कि दोस्तों मैं ये हमने देख लिया, जिसके मैंने आपको इसका दिखा दिया है। दूसरी चीज़ आपको दोस्तों क्या चेक करनी है, सबसे पहले ये नीचे आ जाना है आपको, ये पेट्रोल का चेक कर लेना है, पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है गाड़ी में, ठीक है ना। ये चीज़ मेन चेक करने की है। और तीसरी चीज़ आपको चेक करनी है, अब उस साइड चल के इसकी एवरेज सेट करती है। जैसा कि ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे सामने आ गया है दोस्तों, ये मैं पेचकस लेता हूँ। पेचकस लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, ये हमें अगर टाइट करते हैं तो गियर जो है ज़्यादा जाती है, कम जाती है, और गाड़ी जो है आपकी कम पेट्रोल खाती है। जो एयर आपका बाहर की तरफ खींचते हैं तो एयर ज़्यादा जाती है और गाड़ी आपकी ज़्यादा पेट्रोल खाती है। तो दोस्तों हमें इस पोजीशन में रखना है गाड़ी को, जितना इंजन को पेट्रोल चाहिए सिर्फ इतना ही देना है। इससे फालतू देंगे दोस्तों आप, गाड़ी आपकी एवरेज नहीं देगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये वाला दोस्तों नोजल जरूर टाइट कर लें, क्योंकि पल्सर के अंदर दोस्तों ये वाला नोजल से पेट्रोल बहुत गिरता है, तो इसलिए वाला नोजल लूज हो तो टाइट कर लें। और आपकी गाड़ी अगर ओवर हो रही है तो उसको, उस चीज़ को भी सही कर लें। और जैसा कि मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा गाड़ी ज़रूर चला लें पहले, क्योंकि गाड़ी चल जाएगी गर्म हो जाएगी दोस्तों, एवरेज वहीं सेट होगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपका कर लिया है, और इसी पोजीशन पे रखना है जैसा आपका, जैसा कि ये देखिए थोड़ी सी रेस बढ़ा लेते हैं, रेस कम हो रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और रेस हल्की सी बढ़ा दी है। जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हैं हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब सेटिंग करने का दोस्तों आपको मीटर एक बार दिखा देता हूँ। मीटर भी दोस्तों उसका फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पल्सर 220 की एवरेज सेटिंग कर सकते हैं, और किसी गाड़ी की एवरेज सेटिंग कर सकते हैं पल्सर में। दोस्तों मेरी वीडियो देखने का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।